क्वेश्चन इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स इन विच सम ऑफ मनी ऑन 19% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल इज हाउ मच। क्वेश्चन में कहा है कि कितने लीस्ट नंबर ऑफ ईयर पे एक सम ऑफ मनी को 19% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाए ताकि ये सम के डबल से ज़्यादा बने। सो यहाँ पर एक सम ऑफ मनी को अगर 19% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है तो यहाँ पर ये बन जाएगी अमाउंट। सो ये अमाउंट प्रिंसिपल के 2 टाइम से ज़्यादा होनी चाहिए। सो अमाउंट का फॉर्मूला आता है P1+R/100 T। सो ये पी से ग्रेटर होना चाहिए। सो यहाँ से पी कैंसिल, आर की वैल्यू अगर पुट करें 1+19/100 T। सो दैट मीन्स 1.19 T, ये 2 से ग्रेटर आना चाहिए। सो अगर यहाँ पर हम टी की वैल्यू क्या पुट करें कि ये 2 से ग्रेटर है, सो अगर टी की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, तो यहाँ पर 1.19 का स्क्वायर बनता है हमारे पास 1.4161। सो ये 2 से छोटा है, सो टी की वैल्यू हम 2 पुट नहीं कर सकते। अगर टी की वैल्यू हम 3 पुट करें तो 1.19 का क्यूब आएगा हमारे पास 1.6851। सो ये भी 2 से छोटा है, सो टी की वैल्यू 3 भी नहीं पुट कर सकते। अगर टी की वैल्यू 4 पुट करें तो 1.19 की पावर 4 हमारे पास आएगी 2.00533। सो ये 2 से ग्रेटर आ रही है। सो दैट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास होने चाहिए 4 ईयर्स। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 4 ईयर्स।